पहले बताइए कि आपने कुल कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं, यानी कितने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने तो अटेम्प्ट काफ़ी कर दिया है, मतलब 97 अटेम्प्ट किया हुआ है। 97 भाई, आप एक बार फिर से जूम करिएगा थोड़ा सा। 97 भैया ने क्वेश्चन किए हैं, देखिए 97 क्वेश्चन आपने किया, इसमें एक्यूरेसी आपकी कितनी हो सकती है? एक्यूरेसी मतलब टाइम थोड़ा बच गया था 10 मिनट, तो 3 क्वेश्चन जो ऐसे थे जिनमें बिल्कुल ही टोटल गेस मार दिया है। 95 में करीब 97 किया ना, 95 क्वेश्चन वैसे हैं, ठीक है, यानी कि 95 क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट भैया के लग रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जीके में कैसे क्वेश्चन आए थे, अगर कोई आपको क्वेश्चन याद हो तो। जीके में जो क्वेश्चंस थे मतलब करंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा आ रहा था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो था, जैसे कि ये सैटेलाइट है, कब ये लॉन्च की गई थी, कौन से, इस टाइप से क्वेश्चंस थे काफ़ी। 3-4 क्वेश्चंस तो सैटेलाइट्स के ही थे, यानी कि साइंस और टेक से क्वेश्चन बन रहे हैं। जीके में कोई क्वेश्चन अगर आपको और याद हो? जीके में एक दो बुक्स वगैरह पे आ रहा है, पुरानी बुक्स आ रही हैं, करंट की बुक्स नहीं, पुरानी बुक्स थी, जैसे जो एंशिएंट में राइटर्स थे उन्होंने लिखी हैं, और जैसे कि एक थी रिपब्लिक बुक, किसने लिखी है, लियो टॉलस्टॉय या ऐसे करके ऑप्शंस थे, इस टाइप से थी। तो रिपब्लिक यानी कि रूसो हॉब्स लॉक का भी क्वेश्चन आ सकता है। आप प्राचीन भारत के प्रश्न जीके यानी कि पुस्तकों से बन सकते हैं। मैथ की बात करें तो मैथ में लेवल कैसा था? मैथ्स का लेवल नॉर्मली था, अगर किसी ने जैसे कि लोको पायलट का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसी टाइप से था, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे लग रहा था आउट ऑफ सिलेबस टाइप से, जो मैथ्स में था स्टैटिस्टिक्स से, जो कि एक होता है वेरिएंस करके क्वेश्चन होता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ऊपर लेवल से होता है, मतलब वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल नहीं। हाँ। एक होता है उसको यानी कि जो मानक विचलन वाला क्वेश्चन होता है, जो स्टैटिक्स वाला पार्ट, वो चीज़ तो थी लेकिन उसमें एक उसका मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, वो उसका फॉर्मूला ये होता है मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100, कोवेरियंस निकालने को आया, यानी कि आपको कुछ जो कि 10 तक के सिलेबस में नहीं होता है, यानी कि अलग टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें प्रॉफिट लॉस या CIE साइज कोई क्वेश्चन पूछा? हां, प्रॉफिट लॉस से थे लेकिन ज्यादा नहीं, शायद 2 क्वेश्चन थे। रीजनिंग में कैसे, लेंदी क्वेश्चन थे या इजी थे कैसे? बहुत आसान, बस एक थोड़ी सी सीटिंग अरेंजमेंट था, वो टाइम टेकिंग था, उसमें शायद 1 से 1.5 मिनट लगा था, और बाकी तो बहुत आसान था। तो आपने 97 क्वेश्चन किए हैं, तो एक बात और पूछना चाहेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी, यानी कि आप कितने दिन से तैयारी कर रहे थे, कितने महीने से तैयारी कर रहे थे? मतलब मैं इसकी तैयारी तो नहीं कर रहा था, SSC वगैरह की तैयारी कर रहे थे। CGL का तैयारी करता हूँ, उसका मैं अभी Tier 3 दे के आया हूँ, Tier 3 वगैरह, और बैंकिंग का भी देता हूँ, तो इसका दिया हुआ है। यानी कि भैया ने SSC CGL का Tier 3 भी दे दिया है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। बता दूँ मैं उसमें लोको पायलट वाले में मैं एज ए टेक्नीशियन सेलेक्टेड भी हूँ, उसमें मैंने 100 क्वेश्चन करे थे, उसमें 88 करेक्ट थे हमारे। तो भैया यहाँ पे जो है टेक्नीशियन कौन सा आप टेक्नीशियन लोको पायलट और टेक्नीशियन का हुआ था, उसमें मैं PCM वाले टेक्नीशियन में था, तो उसमें मैंने 100 पूरे करे थे, 88 क्वेश्चन मेरे करेक्ट थे। यानी कि भैया ने टेक्नीशियन में 100 में 100 क्वेश्चन किया था और 88 जो है इनके सही थे, आप सिलेक्ट भी हो चुके हैं उसमें टेक्नीशियन वाले, टेक्नीशियन में मैं सिलेक्टेड हूँ। आप कहाँ पे पोस्टेड इस समय हैं? अभी मेरा आने वाला रिजल्ट आने वाला, यानी कि सेलेक्ट हो चुके हैं अब आप, क्योंकि शिफ्ट वाइज शिफ्ट कोविड की वजह से, क्योंकि आप कई एग्जाम में मेंस दे चुके हैं, CGL भी दे रहे हैं, तो अब आपका उन छात्रों के लिए क्या संदेश होगा जो आगे आने वाले रेलवे में एग्जाम देने वाले हैं अलग शिफ्ट में किसी और फेज में, तो उनके लिए आप स्ट्रेटेजी क्या बताना चाहेंगे? आपने एग्जाम पैटर्न देखा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए मैथ्स में अब कुछ नया नहीं किया जा सकता है, जो उन्होंने कर रखा है वही ठीक है, उसी को प्रैक्टिस करें, लेकिन GK में मैं कुछ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि साइंस एंड टेक है, इस पोर्शन को थोड़ा सा फोकस करें साइंस एंड टेक में, और जो एंशिएंट की बुक्स हैं, जैसे जो फेमस राइटर हैं, जैसे कि प्लेटो हो गए, रूसो हो गए, इस टाइप से जो राइटर्स हैं इनकी जो बुक्स वगैरह हैं इनको पढ़ सकते हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा ये। और एक बात और आप उनको बताइए कि जो आगे एग्जाम देने वाले हैं कि GK के लिए अगर हमें 1 हफ्ते या 10 दिन का टाइम हो, तो एक बेस्ट बुक कौन सी रहेगी जिसको पढ़कर हम रेलवे का एग्ज़ाम जो है कुछ अच्छे अंक ला सकते हैं? ऐसा मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैंने कई डायनेमिक सोर्सेस से पढ़ा हुआ है, मैंने लूसेंट से भी थोड़ा बहुत किया हुआ है, और एक अरिहंत